सामने ये मसूरी का बस स्टैंड, पता नहीं कैसी गाड़ियां बैठा दिया। ये एम्बेसडर में आपको बैठाएंगे तो बेशक मत बैठना। जिस चीज का डर था आखिरकार वो हो ही गया, गाड़ी हो चुकी है बंद। ये एम्बेसडर आप खुद देख सकते हो कैसी हालत है भाई, मेटल ढीला, हर 100 मीटर पे जाके बंद हो रही है। तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मैं रोहित और मैं हूँ अभी देहरादून के अंदर, और यहाँ से बस कर रहे थे हम जो सरकारी बस थी मसूरी जाने की, उसका किराया था 90 रुपये, लेकिन भीड़ कुछ ज़्यादा है तो इस वजह से हम बस से नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं इधर, टैक्सी है, ये टैक्सी स्टैंड है, इधर से टैक्सी लेंगे। और टैक्सी का शेयरिंग कैब का प्राइस है 380 रुपये पर पर्सन। तो मैं अनुज साथ है, अभी यहाँ से टैक्सी लेते हैं और फिर सीधे चलते हैं मसूरी। बीच बीच में जैसा मौसम होगा रास्ता होगा आपको दिखाते रहेंगे। तो आप देख रहे हो भाई, सुबह सुबह 6 बजे हैं और अभी इतना जाम और इतना ही भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। ये सामने ये मसूरी का बस स्टैंड और ये है टैक्सी स्टैंड, यहाँ से हम टैक्सी लेंगे और 380 रुपये पर पर्सन की टैक्सी है जो शेयरिंग कैब है। यहाँ से टैक्सी लेके मसूरी जाएंगे और जो बस का किराया है, यहाँ से सरकारी बस जो चलती है उत्तराखंड परिवहन वालों की, इसका किराया है 90 रुपये। 90 रुपये में आपको मसूरी उतार देंगे, बट थोड़ी भीड़ थी इस वजह से हमने अवॉइड कर दिया। और सबसे सही चीज़ है ISBT उतरो जब दिल्ली से आप आओ देहरादून, तो ISBT उतर के और किसी को भी ये बोल दो ऑटो वाले को कि मेरे को मसूरी स्टैंड जाना, क्योंकि मसूरी का बस स्टैंड है जो वो थोड़ा सा अलग है। तो सामने ही बस स्टैंड है, इधर से अपन ने टिकट लेनी थी लेकिन कैंसिल कर दी, अपन आए इधर और इधर से अभी शेयरिंग कैब करके अपन निकलते हैं मसूरी। तो भाई शेयरिंग कैब तो हमको मिल गई है, लेकिन मजाक सा हो गया है। देखो ये पता नहीं कैसी गाड़ी में बैठा दिया ड्राइवर भाई, बैठे बुरा मानेंगे बट देखो जो बात है भाई मैं वो बोलूँ। तो 380 रुपये लिए इस एम्बेसडर में बैठा दिया, और एम्बेसडर ये ऐसी है कि पता नहीं कितनी दूर तक ये चलेगी, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा। कन्फ्यूज हूँ, गुस्सा भी आ रहा है, हाथी भी आ रही है, इसके शीशे भी हाथ से पकड़ के उठाने पड़ रहे हैं, हालत आप खुद देख रहे हो। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कैब बुक करो यहाँ से। तो भाई मैं ये बता रहा था कि जब भी आप शेयरिंग कैब बुक करें ना यहाँ से, जो ये मसूरी बस स्टैंड के पास टैक्सी स्टैंड है यहाँ से, तो इनसे पहले कंफर्म कर लेना कि भाई आपकी कौन सी वाली टैक्सी में बैठाएंगे आपको। मैं भाई रिकमेंड नहीं करता, ये एम्बेसडर में आपको बैठाएंगे ना तो बेशक मत बैठना, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक तो सही सलामत चल रही है क्योंकि अभी तो पहाड़ी स्टार्ट इतनी हुई नहीं है, बाकी देखो क्या रहता है। मेरे को तो अभी डर भी लग रहा है, पता नहीं पहुँचेगी या नहीं, कहीं गई, चलो चल गई चल गई। भाई धड़कन ऐसी हो रही है, पता नहीं यार ये पहुँचाएगी या नहीं पहुँचाएगी, बाकी देखो क्या रहता है। और ये कोई दरवाज़ा आया है, दरवाज़ा नहीं मतलब बोर्ड लगा रखा है, स्वर्गीय श्री राजेंद्र शाह स्मृति द्वार। तो भाई देहरादून से अपन चल चुके हैं मसूरी की तरफ, मौसम अभी ठीक है, हल्की फुल्की फुहार पड़ रही है अभी बारिश की, बाकी मौसम बड़ा सही लग रहा है अभी तो, ठंडा है, धूप नहीं है, बच गए चलो धूप से। बाकी मसूरी में जाके पता चलेगा कि भाई कितनी धूप है और कितनी धूप नहीं है। जिस हिसाब से देहरादून है ना, मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि देहरादून और दिल्ली में वैसे कोई फ़र्क नहीं है। जो मेन मार्केट थी वो वाला रास्ता मैंने आपको दिखाया नहीं, वहाँ बहुत ज़्यादा दिन के टाइम और शाम के टाइम ट्रैफिक जैम रहता है। तो दिल्ली और इसमें मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं है, ये भी बढ़िया है जगह देहरादून, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, क्राउडेड सिटी है ये और बहुत अच्छी सिटी है। वैसे देहरादून में भी घूमने की बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर देखी जाए ना ढंग से घूम सकते हो। सो भाई ये है प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर है और रेलवे स्टेशन से है ये 14.5 किलोमीटर के आसपास। तो अभी 14.5 किलोमीटर हम आ गए हैं और सुबह 8 बजे से शाम को 8:30 बजे तक खुलता है ये मंदिर, और शिवरात्रि को मैंने सुना है यहाँ पर भीड़ बहुत होती है। तो बहुत अच्छा मंदिर है, आपको एक बार विजिट करना चाहिए, दर्शन करने चाहिए बाबा भोलेनाथ के, हम आते वक्त करेंगे। और अब हम पहाड़ी पर चढ़ना चालू हो गए हैं, तो और मौसम भी आप देख सकते हो ऊपर आपको बादल दिख रहे होंगे, कितना ठंडा मौसम लग रहा है। तो सही है यार, ठंडे ठंडे में आ गए ना वो सबसे सही है, धूप में तो है ना कसम से इस गाड़ी में तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं, इसके तो डैशबोर्ड में से भी धुआं निकल रहा है। तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, चलो ठीक है अब आ गए तो आ गए। तो भाई ये अभी मसूरी पहुँच रहे हैं हम, और ये हमारी जो टैक्सी थी ना 380 रुपये के हिसाब से हम आए हैं इसमें, और इस गाड़ी में अभी 4 बंदे हैं, 2 हम आगे हैं 2 पीछे हैं। अब सोच रहे हैं दो कैसे आए आगे, तो भाई आगे है ना मेटर की सीट अच्छी लंबी होती है, बाकी मौसम बहुत प्यारा हो रखा है देखो बाहर। तो भाई अभी तक तो सही है, अच्छा जा रहा है। बाकी यहाँ यहाँ रास्ते में ना आपको ऐसे व्यू देखने के लिए अगर बैठना है तो यहाँ ऐसे जो पीछे गए हैं ना कैफ़े, छोटे छोटे कैफ़े, ये बहुत सारे कैफ़े आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये सामने की पूरा देहरादून का और पहाड़ियों का अच्छा व्यू मिलता है, ये जितने भी हैं यहाँ सब व्यू पॉइंट है,
जो कि इन्होंने अपने छोटे छोटे कैफ़े बना रखे हैं, तो आप यहाँ रुक के अपना चाय पानी पी सकते हैं और व्यू का मज़ा ले सकते हैं, फ़ोटोशूट कर सकते हैं, पूरा देहरादून दिखता है यहाँ से। और रोड क्वालिटी अगर बोलूँ ना तो देहरादून से मसूरी की जो रोड क्वालिटी है अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, बट सीज़न के टाइम पर थोड़ा भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पर। और भीड़ में तो आपको पता है यार, उत्तराखंड पूरा पैक हो जाता है क्योंकि दिल्ली NCR के लोग सारे आने लग जाते हैं। अभी तक तो खाली है, हो सकता है कि सुबह का टाइम है इस वजह से, बाकी तो अब दोपहर में ऊपर जाके पता चलेगा मसूरी में कि क्या हिसाब किताब है, यहाँ के रोडों का ट्रैफिक है या नहीं है। तो चलो चलते हैं फिर आगे। तो भाई जिस चीज़ का डर था आखिरकार वो हो ही गया, गाड़ी हो चुकी है बंद, कचर 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 हो रही है बस, क्या करें। चलो भाई हो गई, चलो चलो बैठो बैठो बैठो। तो भाई गाड़ी बंद हो गई थी और हर 100 मीटर पे ये गाड़ी बंद हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई मैं रिकमेंड नहीं करता शेयरिंग कैब, अगर करते हो तो पहले गाड़ी देख लेना कि किस गाड़ी में ये बैठाएंगे, हालत देख लो गाड़ी की कैसी हो रखी है, पूरी गाड़ी ख़त्म है, डैशबोर्ड में से धुआं आ रहा है बार बार, भाई क्या ही बताऊँ, परेशान हो गए कसम से। हाँ ये 1.5-2 घंटे का सफ़र, 3-4 उसका हो रहा है यार, क्या ही करूँ मैं, परेशान हो गया। बाकी व्यू के मज़े लो यार, और क्या कह सकता हूँ, व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है। और अभी चलते हैं आगे, जाम वाम अब चालू होना शुरू हो गया है, और ये यहाँ से व्यू आ रहा है पूरा मसूरी रेंज का, जितनी भी है छोटे छोटे गांव हैं बीच में, और बादल आप देख रहे हो नीचे आ रखे हैं पूरे, क्योंकि मौसम बहुत सही हो रखा है, रोड कंडीशन भी ओके है। तो यही सफ़र है, थक हार के कर ही रहे हैं भाई, किसी तरीके से गाड़ी बंद हो रही है बार बार, क्या करें। और ये लो भाई ये हो गई बंद दोबारा, देख लिया, इसलिए कह रहा था कि हर 100 मीटर पे गाड़ी बंद हो रही है भाई, परेशान करके रख दिया भगवान कसम, गलत ही फंस गया आज तो अब इस गाड़ी के अंदर, आइंदा से नहीं आऊँगा। देख लो भाई ये खड़ी एम्बेडर, ये एम्बेडर आप खुद देख सकते हो कैसी हालत है, गलत फंस गए भाई, मैटर ढीला तो है। चलो भाई चलो, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चलो 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 चलो, बस यही बोल रहे तब से, हर 100 मीटर पे गाड़ी बंद हो रही है। बाकी अभी और जा रहे हैं, अब आने चालू हो चुके हैं लोग बाग यहाँ पर, देखो क्या रहता है यार, कसम से बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है आपको। अपने साथ हो गया है सीन, सीन ये हो गया, हम आए थे इस गाड़ी में जो कि एम्बेसडर है, कितने साल पुरानी है, और ये हर 100 मीटर पे जाके बंद हो रही है। तो अपन अब यहाँ रुक गए लास्ट, अब रह गए यहाँ से मसूरी 4-1 किलोमीटर, तो अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है, कोई और गाड़ी आती है तो वो गाड़ी लेते हैं और उसमें जाएंगे। हाँ भाई। तो चलो फिर आगे मिलते हैं, अभी तो थोड़ा चल रहा है ऐसे ही। तो भाई एंड में मोरल ऑफ द स्टोरी, मजाक कर रहा हूँ, बाकी हाँ यार वो गाड़ी बंद हो गई थी तो उस गाड़ी को हमने छोड़ दिया है वहीं पर ही, और उसी गाड़ी वाले ने, ये रास्ते में से कोई गाड़ी जा रही थी तो हमें इसमें बैठा के भेज दिया, स्विफ्ट है ये, और ठीक है यार, वही वाली बात है यार, हम तो बोल रहे थे परेशान हो रहे हैं, परेशान वो तो हकीकत में बहुत ज़्यादा परेशान गए थे हम, बट क्या कर सकते हैं यार, उस बंदे की भी बेचारे की हालत ख़राब हो रखी थी जो ड्राइवर है, तो उसने अब ये दूसरी गाड़ी करा के दे दी है। तो अब हम इसमें जा रहे हैं मसूरी, मौसम देख रहे हो बारिश हो चुकी है और मसूरी के अंदर एंट्री हमारी हो चुकी है, मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, मतलब क्या ही बताऊँ यार, ख़तरनाक मौसम, आप देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं बादल, बिल्कुल काली घटा छाई हुई है। तो वही ये गाड़ी हमें मिली थी, तो इसका हमने कोई भी पैसा नहीं दिया क्योंकि उसी ड्राइवर ने इस गाड़ी का पैसा दिया है, और सामने ही मसूरी है, अपन मसूरी तक आ गए, तो ये गाड़ी हमें पिक्चर पैलेस पे छोड़ेगी, तो पिक्चर पैलेस से जो हमारा हॉस्टल हमने बुक किया है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा, तो उस हॉस्टल तक हम पिक्चर पैलेस से पैदल ही जाने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूर है मॉल रोड से हमारा हॉस्टल, ये देख लो बोर्ड है मॉल रोड 2 किलोमीटर। सो भाई व्यू का मज़ा लो, मसूरी हम आखिरकार पहुंच गए हैं, इतना प्यारा व्यू आ रहा है सुबह सुबह, मतलब क्या ही बोलूं यार, बहुत सही लग रहा है, बहुत सही ऑसम व्यू है भाई, ऑसम व्यू। ये छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं यहाँ पर जो आपको पहाड़ियों पे दिख रहे हैं, अपन गड़े हैं अभी पिक्चर पैलेस से थोड़ा सा पहले, और यहाँ से अब अपन जाएंगे अपने हॉस्टल में, और हॉस्टल बहुत प्यारा, अभी आगे भी दिखाता हूँ आपको कि मसूरी कैसा है कैसा नहीं है, और बहुत सही रहा, थक गए थोड़ा सा हम। सो भाई ये था देहरादून से मसूरी तक का जो सफ़र था अपना, पूरा दिखा दिया मैंने, सारा बता दिया कि मसूरी से सॉरी देहरादून से जब आप मसूरी आओगे तो 90 रुपये की लोकल बस है, 380 रुपये का शेयरिंग कैब है यहाँ पर। तो कैब तो हमारी तुमने देख ही ली कैसी थी, बुरी हालत हो गई, रुक रुक के आखिरकार लास्ट में कोई दूसरे भाई आए हैं और
उनके साथ फिर हम गाड़ी में यहाँ तक आए हैं, थोड़ा सा रह गया था 4 किलोमीटर, फिर उसमें आए हैं। बाकी अनुज मेरे साथ है, ये भाई हैं, ये हमें हमारे भाई मिले रस्ते में, ये हमें रस्ते में मिले, हमारी कैब में ही थे एम्बेसडर में। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को और अभी अपना हॉस्टल में स्टे लेते हैं, फिर हॉस्टल की नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना और मिलेंगे फिर आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राम राम, और हाँ, घूमते रहा करो।